उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ आती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच रिश्तों में कड़वाहट कम होती दिख रही है। अब कुछ दिनों पहले अखिलेश ने शिवपाल के लिए कुछ ऐसा किया था जिसे लेकर आज चाचा ने भतीजे को थैंक यू बोला, जिससे मुलायम कुनबा फिर से एक होता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने थे तो समाजवादी पार्टी में जबरदस्त तल्खियां देखने को मिल रही थी। मुलायम कुनबा बिखरने लगा था, जिसका फायदा हुआ बीजेपी को। सपा सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन अब जब सूबे में फिर से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सियासी गलियारों में एक बार फिर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल जिस तरह से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मिलकर कड़वाहट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो शिवपाल की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ली और अब शिवपाल यादव ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। शिवपाल ने चिट्ठी में लिखा, आपके आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने मेरी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए दी गई याचिका को वापस कर दिया है। इस स्नेहपूर्ण विश्वास के लिए आपका कोटिश आभार। निश्चय ही ये मात्र एक राजनीतिक परिघटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नव राजनीतिक विकल्प और नवाक्षर का भी जन्म होगा। दरअसल पिछले साल 4 सितंबर को समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी ने शिवपाल की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में याचिका दाखिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख याचिका के साथ संलग्न न किए जाने की बात कहकर याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद शिवपाल की समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलें तेज हो गई थी। अब शिवपाल ने चिट्ठी लिखकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापसी के संकेत दे दिए हैं। खैर, ऐसे कयास पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं, जिसके बाद देखना है मुलायम कुनबा एक होता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।